रेल कर्मचारी की विभिन्न बकाया मांगों का निपटारा करने में केंद्र सरकार की हठधर्मिता पूर्ण व्यवहार के खिलाफ बुधवार को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ब्यावर शाखा के अध्यक्ष संतोष शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया। ब्यावर रेलवे स्टेशन के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल एवं धरने पर बैठे शाखा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नई पेंशन को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, GDA की अधिसूचना शीघ्र जारी करवाना, सीधी भर्ती जो RRB RRC के माध्यम से की जाती है उसके 10% पदों को कम करके LDC ओपन टू ऑल करने, रेलवे आवासों की खराब स्थिति को ठीक कर मरम्मत शीघ्र कराने, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के रोके गए महंगाई भत्ते को शीघ्र ही भुगतान करवाना, संवर्ग पुनः संरचना में सभी कैटेगरी के उच्च ग्रेड में पद प्रतिशत बढ़ाने का कार्य भी शीघ्र पूरा करवाने की सरकार से मांग की है। धरने पर बैठे ब्यावर मंडल शाखा के कार्यकर्ताओं ने रेलवे में प्राइवेट आउटसोर्सिंग के बंद करने, इंजीनियर एवं अन्य परीक्षकों को लेवल 8 व 9 में पदोन्नति हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने, साथ ही रिक्त पदों को शीघ्र भरकर विभिन्न विभागों के स्टाफ पर कार्य के दबाव को कम करने सहित विभिन्न मांगों को जल्द से जल्द निस्तारण करने की केंद्र की भाजपा सरकार से मांग की है। सांकेतिक भूख हड़ताल के दौरान ब्यावर शाखा के सचिव पप्पू सिंह रावत, शंकर सिंह, ताराराम जाट, रवि कश्यप, जीवन सिंह, रामेश्वर लाल मीणा, चैन सिंह, शीतल सिंह, सुरेंद्र चौधरी, श्रवण, ओम काठात, राजेश कालूराम, जगदीश, मनोज, जितेंद्र, हमीद, राजू, पूनम सिंह, सलीम, सुरेंद्र तथा ब्रजेश आदि कर्मचारियों ने धरने में भाग लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की बहुत मांगे हैं, कर्मचारियों की बहुत मांगे हैं, रेल प्रशासन उसमें हठधर्मिता दिखा रहा है और मांगों को पूरी करने का कभी भी कोशिश नहीं की जा रही है। हम चाहते हैं कि रेलवे में निजीकरण नहीं हो और जो NPS इन्होंने लागू कर रखा है, न्यू पेंशन स्कीम, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। साथ ही जो 1.5 साल तक 18 महीने का हमारा जो DA फ्रीज कर रखा है, जो DA नहीं दे रहे उसका एरियर दिया जाए, क्योंकि ये लोगों की जायज है। कोविड काल के अंदर रेल कर्मचारियों ने तत्परता से, बहुत ही मेहनत से, पूरे अपने जज्बे से काम किया है, अपने घर परिवार को एक तरफ रखते हुए रेल सेवाएं दी है और उसी समय का हमारा DA इन्होंने रोक रखा है। भारत सरकार से हम करते हैं आह्वान, निवेदन करते हैं कि वो DA जो फ्रिज कर रखा है उसको दें। हमारे क्वार्टरों की बहुत बुरी दशा है, रेल आवासों की, उसके लिए हमेशा ये बोला जाता है कि फंड नहीं है। रेल आवासों की दुर्दशा को सुधारा जाए और बहुत ज़्यादा रिक्तियां हैं भारतीय रेलवे के अंदर, इतनी रिक्तियां हैं कि एक काम को करने के लिए जो एक टीम होती थी उस टीम को तोड़ दिया गया है। रेडीमेड कपड़ों की दुनिया में एक नया धमाका, HOMT अल्टीमेट चॉइस लाए हैं एक नया भव्य फैमिली गारमेंट शोरूम, अल्टीमेट फैशन, जहां पाएंगे फुल ब्रांडेड फैमिली गारमेंट शोरूम, मेंस वियर, गर्ल्स वियर, किड्स वियर की विशाल रेंज, स्पेशल इंपोर्ट ब्रांड जर्मनी के लेटेस्ट कलेक्शन के साथ, तो आज ही चले आए अपने परिवार के साथ। अल्टीमेट फैशन फैमिली क्लॉथ स्टोर, नवका एक्वायर सिटी सिनेमा के सामने, स्टेशन रोड ब्यावर, मोबाइल नंबर 8619611431, 9626739781, संबंधित फर्म अल्टीमेट चॉइस, सिटी थाने के सामने, भगत चौराहा, प्यावर।